हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग आए हैं, आपको हम एक बार दिखाए थे LGAC का पंप डाउन कैसे करें। तो हम लोग पंप डाउन किए हुए थे, एक मशीन इधर से उधर करना था तो हम लोग कर लिए थे और प्रेशर डाल के होल्ड किए थे। तो आज हम लोग वैक्यूम करेंगे और वैक्यूम कैसे लगाया जाता है आज वो वीडियो में आपको देखिएगा कि वैक्यूम लगा के कैसे चलाया जाता है, कैसे माइक्रोन गेज होता है और कितना वैक्यूम आना चाहिए। आपके आज के वीडियो में सब देखने को मिलेगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा। और हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि कहां से कैसे लगाते हैं, आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, इसकी मत करिएगा। तो फाइनली गाइज, आप देख सकते हैं हमारा वैक्यूम लग के रेडी हो गया है। देख सकते हैं वैक्यूम लग के रेडी हो गया है। ये हमारा वैक्यूम पंप है, बहुत भारी है वैक्यूम पंप है, हमारे और वीडियो में भी देखे होंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा वैक्यूम कैसे लगाए हैं, ये चीज़ आप गौर करिएगा क्योंकि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं वैक्यूम कैसे, कौन पाइप कहाँ लगानी है। तो ये चीज़ हम आपको हम बताएँगे कि कौन पाइप कहाँ पर लगानी है। तो आप देख सकते हैं ये मैनिफोल्ड गेज है और इसका मैनिफोल्ड गेज का जो बीच का हिस्सा होता है ये हमारी सर्विस के लिए होती है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी बीच का हिस्सा सर्विस के लिए होती है, जो हमारी मैनिफोल्ड का बीच वाली हिस्सा होती है। जैसे आपको गैस डालना हो, वैक्यूम करना हो, प्रेशर डालना हो तो आप गैस में जो चार्जिंग लाइन लगेगा यहीं से जाके लगेगा। देखिए हम यहाँ से नीला वाला है तो यहाँ से हम लगाए हैं वैक्यूम पंप के लिए। अगर हमको प्रेशर डालना है नाइट्रोजन का तो हम ये चार्जिंग लाइन यहाँ पे लगाएंगे, अगर गैस डालना है तो ये सिलेंडर में लगाएंगे। तो ये हमारी सर्विस के लिए होती है और ये हमारी जो है गैस डालने के लिए, वैक्यूम करने के लिए है। और रेड वाली हमारी क्या हुई, प्रेशर डालने के लिए। जैसे हमको प्रेशर चेक करना है तो इधर से जो चार्जिंग लाइन हम सीधा लगा लेंगे AC में, तो इसमें हमारे AC में कितना प्रेशर हम डाले थे वो चीज़ बताएगा। जैसे बैक प्रेशर देखना हो या वैक्यूम करना हो तो हम इस चार्जिंग लाइन से देख चेक सकते हैं। ये हमारा प्रेशर गेज बोलते हैं या कंपाउंड गेज बोलते हैं, दोनों मिल गया तो मैनिफोल्ड गेज बोलते हैं। तो हम देखिए अब सिस्टम से हमको इसमें माइक्रोन गेज भी लगाना है। देखिए हम माइक्रोन गेज भी लगाए हैं तो कैसे लगाए हैं आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये हमारी सक्शन के मशीन लाइन पर लगा हुआ है, ये हमारी सिस्टम में, और यहाँ से जो चार्जिंग लाइन आई है हमारी इस पर लगा हुआ है, जिसको हम मैनिफोल्ड गेज बोलते हैं, इसको कंपाउंड गेज बोलते हैं। तो ये हमारी आप देख सकते हैं खुद है, इसका मेन लाइन सीधा जाके हमारी AC पे लगी हुई है और ये हमारी सर्विस के लिए हुई है। ये वाल्व को हम खोले हुए हैं अभी, लेकिन हम इसके इससे नहीं करेंगे, ये वाल्व को हम बंद रखेंगे जब हम वैक्यूम चलाएंगे। तो बस हम यही बस चलाएंगे, इसको हम साइड रखेंगे। इसको इसलिए बस इमरजेंसी में लगा लिए कि थोड़ा देर हम चलाएंगे तो हमारा दोनों तरफ से वैक्यूम हो जाएगा तो थोड़ा जल्दी आ जाता है, इसीलिए इसको लगाए हैं। तो इसको हम परमानेंट खोल के नहीं रखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको भी हम यहाँ लगाए हैं, इसमें क्या है और इसमें से जो चार्जिंग लाइन निकल के हमारे डिस्चार्ज वाले में लगा हुआ है। देखिए ये डिस्चार्ज वाले में तो हम एक तरफ से वैक्यूम करते हैं, दूसरे तरफ से हम माइक्रोन लगाए रहते हैं। हम जब यहाँ वाल बंद करेंगे तो यहाँ से हमारा एरिया बंद हो जाएगा, तो ये डिस्चार्ज की तरफ से जो हमारा वैक्यूम आएगा वही ये बताएगा। आप समझ गए कि नहीं? नहीं समझ में आएगा तो एक बार आप ध्यान से देख लेंगे, तभी भी हमारा किस तरह से वैक्यूम लगा हुआ है आप पूरा देख लेंगे। ये हमारी LGAC का VRF AC है, इसी को हम लोग वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करके में हम गैस बैक किए हुए थे तो थोड़ा मोड़ा गैस भी डालना है। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और हम दिखाएंगे कैसे वैक्यूम कितने देर पे कितना आ रहा है। आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा, पूरा हम दिखाएंगे आपको, वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी हम वैक्यूम पंप हमारा रेडी हो गया, तभी हम वैक्यूम पंप चालू करवाते हैं। देखिए हमारा वैक्यूम पंप चालू हो गया, हमारा वैक्यूम पंप चालू हो गया। और थोड़े देर के बाद माइक्रोन आना स्टार्ट होता है। देखिए अभी एक भी माइक्रोन नहीं आ रहा है, अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगा ये 19,000-20,000 और ज़्यादा शुरू होता है, लेकिन मैं 19,000 से दिखाता है। और वीडियो में बने रहिए और आपको हम दिखाएंगे। हमारा वैक्यूम चालू हो गया, थोड़ा टाइम लगता है इसमें वैक्यूम करने में, बहुत टाइम लगता है, वेट बहुत करना पड़ता है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, सब चीज़ हम आपको इसी तरह से दिखाते रहेंगे। बाकी तो आपको हम सब चीज़ बतेवे किए हैं, हमारा ये हमारा मशीन है, ये हमारा पंखा है, ये हमारा फोरवे वाल है,
आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हमेशा प्रैक्टिकली वीडियो डालते हैं। थ्योरी एक आंख से पड़ जाता है ना, तो हमारा अक्सर वीडियो प्रैक्टिकली रहता है। आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन वाला बटन दबाए रहेंगे तो आप हमारा हमेशा इस तरह का वीडियो देखने को आपको मिलता रहेगा और आप कुछ सीखते रहेंगे। देखिए गाय की हमारा स्टार्ट हो गया, इसी तरह से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे कम होता जाएगा। देखिए कम हो रहा है, अब ये मशीन चला हुआ है ना, तो अभी मान लीजिए पाइप में तेल होता है, थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लेता है। ये नई मशीन रहती है, एकदम पाइप के अंदर कोई कचरा मचरा नहीं, एकदम फ्रेश रहता है, तो वैक्यूम एकदम जल्दी आ जाता है। थोड़ा इसमें बहुत टाइम लेता है क्योंकि मशीन रनिंग हो चुकी है, पाइपों में तेल हो चुका है, इसको थोड़ा वैक्यूम पंप को टाइम लगेगा। आप वीडियो में बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा वैक्यूम पंप चल रहा है और पूरा सिस्टम लगा हुआ है। हम लोग सुबह लगाए थे और काफ़ी देर हो गया है, और वैक्यूम भी देख सकते हैं माइक्रोन। नौ सौ पैंसठ हमारा ये बंद है, ये हमारा देखिए बंद है, ये बंद हुआ है, ये इधर ही से बस वैक्यूम हो रहा है और एक तरफ से बता रहा है। एक तरफ हम बंद किए हुए हैं, एक साइड से चल रहा है, तो हमारा 965 आ गया है वैक्यूम बहुत देर चलने के बाद। हमारा वैक्यूम पंप का आवाज़ भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से इसको चलाया जाता है और अभी हम वेट करेंगे 500-600 का। आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरा आपको दिखाएंगे कैसे इसका गैस खोलेंगे हम और कैसे स्टार्ट करेंगे, सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आप वीडियो में बने रहिएगा, दिखाते हैं आपको क्या करना है फिर बाद में। अभी हमारा और कम होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा वैक्यूम पंप चल रहा है और पूरा सिस्टम लगा हुआ है। हम लोग सुबह लगाए थे और काफ़ी देर हो गया है, और वैक्यूम भी देख सकते हैं माइक्रोन। 965 हमारा ये बंद है, ये हमारा देखिए बंद है, ये बंद हुआ है, ये इधर ही से बस वैक्यूम हो रहा है और एक तरफ से बता रहा है। एक तरफ हम बंद किए हुए हैं, एक साइड से चल रहा है, तो हमारा 965 आ गया है वैक्यूम बहुत देर चलने के बाद। हमारा वैक्यूम पंप का आवाज़ भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से इसको चलाया जाता है और अभी हम वेट करेंगे 500-600 का। आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरा आपको दिखाएंगे कैसे इसका गैस खोलेंगे हम और कैसे स्टार्ट करेंगे, सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आप वीडियो में बने रहिएगा, दिखाते हैं आपको क्या करना है फिर बाद में। अभी हमारा और कम होगा। तो हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारा वैक्यूम बहुत देर से चल रहा था सुबह से ही, तो अभी तक कुछ काम बना है। आप देख सकते हैं ये हमारा 500 आ गया है। हम इसी का इंतज़ार कर रहे थे 500 का ही, तो हमारा ये 500 आ गया है। आप देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे, वैक्यूम पंप को बंद करेंगे। अब वैक्यूम पंप को बंद करने से पहले हम क्या करेंगे, ये वाल्व को हम बंद कर देंगे। इसको बंद करने के बाद ही हम वैक्यूम पंप को बंद करेंगे, बिना इसके ये पहले से बंद है, और हम जब बंद करेंगे वैक्यूम पंप, ये वाली वाल्व को हम पहले बंद कर लेंगे इस तरह से, तभी हम वैक्यूम पंप को लाइन छुड़ाएँगे। आप वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं आपको गैस कैसे खोलते हैं। तो हमारा एलंकी सेट आ गया है, आप देख सकते हैं, और इसको खोल लेंगे और एलंकी लगा लेंगे। अब हम इसको बंद करेंगे। अब ये वैक्यूम पंप हमारा चल रहा है, आप देख सकते हैं, तो वैक्यूम पंप हम छोड़ देंगे, इसको हम बंद किए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा हम गैस को खोल देंगे।
ये हल्का सा हम गैस को खोल दिए, अभी हमारा वैक्यूम टूट गया और इसको हम बंद कर लेंगे। वैक्यूम हम तोड़ दिया, वैक्यूम पंप को हम बंद करते हैं। यहाँ से हम वैक्यूम पंप को बंद कर दिए, तार निकाल दिए वैक्यूम पंप का। देखिए हमारा वैक्यूम पंप बंद हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको खोल के निकाल देंगे कि इसमें गैस ना जाए, क्योंकि अभी हम थोड़ा ही खोले हैं। तो अभी इसको हम निकालते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। पिलास से इसको ढीला कर लिए, इसको निकाल लिए। देखिए गैस फेंक रहा है, इसको निकाल लिए। और इसका डेड नेट भी है यहाँ पे, तो हम इसका डेड नेट भी लगा लेंगे। अब हम पूरी गैस खोल सकते हैं, क्योंकि पाइप निकली गई, ये पहले से बंद था और ए वाली चार्जिंग लाइन सिर्फ सक्शन में लगा हुआ है। हम पूरा गैस अब खोल दे रहे हैं, देखिए पूरा गैस को हम खोल दिए। इसी तरह से है वैक्यूम करके गैस खोला जाता है, थोड़ा भी कोई दिक्कत नहीं पाए, थोड़ा भी कोई परेशानी नहीं है। अभी हम पिलास के माध्यम से सबको हम खोल लेंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा। अभी इसको खोल के फिर हम दिखाते हैं आपको, तब तक हम गैस खोले हैं, गैस आराम से खोलेंगे। हमारी सारी गैस जो आउटडोर में थी वो सब गैस हमारी अब चली गई सिस्टम में। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारा, इसको निकाल के हम इसमें रख लिए और चार्जिंग लाइन में सब निकाल लिया हम। अब ये गैस हम पूरा लग रहा है हमारा निकल ही गया, तो पूरा वाल को हम ओपन कर लेंगे। देखिए हमारा गैस पूरा बता रहा है, अब वीडियो बने रहिए। इसको हम अच्छे से खोल लेंगे पूरे वाल को, थोड़ा ये टाइट होता है, ये वाल एकदम पूरा बाहर आ जाएगा। इसको भी हम खोल लेंगे और इसमें भी हमें लंकी लगाए, देखिए इसी तरह से इसको भी हम खोलेंगे। ये भी थोड़ा टाइट रहता है लेकिन आराम से खुल जाता है, देख सकते हैं। जैसे ये बाहर आया है, इसका भी अभी बाहर आ जाएगा। हम ये MCB उठाए तो हमारे आउटडोर में लाइट आ गया, आप देख सकते हैं। अभी इंडोर का MCB नहीं उठाए, अभी हमको जाना पड़ेगा नीचे MCB उठाने के लिए। तब तक ये ऑन हो रहा है तो हम नीचे MCB उठा के आते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये हम AC चालू कर दिए हैं, हम देख सकते हैं मेरी मोड दोनों में हम चालू कर दिए हैं। आउटडोर भी चल जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। तो हमारा कोई एरर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। और कंप्रेसर चलने की आवाज आ रही है इसमें से, ये पाइप ठंडा भी हो रहा है लेकिन हमारा पंखा अभी तक नहीं चला। कंप्रेसर चलने की आवाज आ रही है, आप देख सकते हैं हमारा सुई भी नीचे आ गई है। कंप्रेसर इसके मतलब चल रहा है, एक कंडेंसर भी गर्म हो रहा है, पंखा नहीं चल रहा है। पंखा क्यों नहीं चल रहा है, अभी जब पूरा गर्म हो जाएगा, सह नहीं पाएगा तो हमारा पंखा स्टार्ट हो जाएगा। यही तो टेक्नोलॉजी है इन्वर्टर में, यही तो हमारा VRF है। अब वीडियो बने रहिए। हमारी मशीन सब बंद थी, अब स्टार्ट हो गई और हम लोग सामान पैक करेंगे
और निकलेंगे यहाँ से। देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है। अगर इसको हम चालू किए, अगर इसमें कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती, तो हमारा यहाँ एरर शो करता है यहाँ पे। अभी आप खुद देखिए कोई एरर नहीं है। हम नीचे सारा एसी ऑन कर दिए हैं। इसको भी हम पैक कर लेंगे। और हमारा खुद देखिए पंखा चल गया। आप देखें ना, पूरा वीडियो देखें, अच्छा लगा होगा। हमारा प्रैक्टिकल ही वीडियो होता है, इसीलिए कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग करते नहीं हैं सब्सक्राइब, सोचते हैं भाई भाई मत करिए, बस लगता है भाई। लेकिन जो मैकेनिक है उनका बात मत करिए, जो सीख रहे हैं उनके लिए ये सब हम करते हैं कि कुछ जानिए, कुछ सीखिए, कुछ परखिए। वीडियो देख के अच्छा लगा, लगा ना अच्छा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा चीज़ हुआ, आप लोग देख लिए, हमारे मशीन चल भी गई, कोई एरर भी नहीं आ रहा है। सारा काम हम लोग किए, सवेरे से लगे हुए हैं। तो इसी तरह से हम लोग बियारा का काम करते हैं, वैक्यूम करके गैस कैसे खोलते हैं, पूरा वीडियो का टॉपिक था। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा हो लाइक कर लीजिए, और थोड़ा मोड़ा आपको लग गया होगा, कुछ सीख गए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और इस तरह का वीडियो फिर दोबारा देखने के लिए बेल आइकॉन वाला बटन दबा के ऑन कर लीजिए। हम ऐसे वीडियो डालते रहेंगे और आपको मिलता रहेगा, हमारा वीडियो देखते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।